नमस्कार, सिटी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। के अंदर पहला हूं मैं। आजकल जो बीमारी फैल रही है, जो उसके लिए डायरेक्ट आदमी जल्दी इलाज फायदा पाने के लिए एलोपैथी की तरफ जाता है, होम्योपैथी की तरफ नहीं जाता है। जैसे कैंसर है, डायबिटीज है और भी डेंगू, ये सब इलाज के लिए एलोपैथी की तरफ जाता है। क्या कहेंगे कि होम्योपैथी कितनी कारगर है और कब फायदा करेगी? होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बेहतर कारगर है, बसरते होम्योपैथी लक्षणों का विज्ञान है, लक्षण मिलान होने पे औषधि फायदा करेगी। रही बात डायबिटीज की, रही बात कैंसर की, रही बात अन्य बीमारियों की, जैसे आपने डेंगू की बात किया, तो होम्योपैथी में उसके लिए बेहद कारगर औषधियां हैं, बसरते हमें उसका लक्षण हमें मिलना चाहिए। और रही बात कैंसर की, कैंसर किस स्टेज में है उसका हम पूरा उसका एक सिम्टम लेंगे, लक्षण लेंगे, उसके आधार पे फिर हम मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे और उसमें क्यों रहेंगे। क्या कारण है कि होम्योपैथी की तरफ लोग नहीं जा रहे हैं? होम्योपैथी के तरफ जागरूकता का अभाव, मतलब कि लोग जागरूक इसके तरफ इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि इसमें हम चिकित्सकों को भी चाहिए कि हम जगह जगह होम्योपैथी के प्रचार प्रसार करें, होम्योपैथी के बारे में लोगों को जानकारी दें और उन्हें होम्योपैथी के की ये दुष्प्रभाव नहीं करती है, नुकसान नहीं करती है, हमारी होम्योपैथी बीमारी को जड़ से ठीक करती है। इसके लिए प्रत्येक चिकित्सक को जा करके प्रत्येक लोगों को ये कार्य बताना चाहिए कि हमारी होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में बिना नुकसान के हमारी औषधि काम करती है और बिना साइड इफेक्ट के दवा। लंदन से आपको अवार्ड दिया जाता है और इंडिया से कोई अवार्ड अभी तक दिया है? इंडिया से मुझे 396 पुरस्कार मैं देश और विदेश से मैं प्राप्त कर चुका हूँ। 103 वर्ल्ड रिकॉर्ड अब तक मैं बना चुका हूँ और 154-156 पुरस्कार मैं जीत चुका हूँ। रही बात अवार्ड की, तो शोध कार्यों के लिए और अच्छा महीनीय कार्यों के लिए हमें लंदन से अवार्ड दिया गया। डॉक्टर साहब अगर होम्योपैथी की बात करें तो लोगों के मन में एक बड़ी भ्रांति है कि इसमें इलाज में बहुत टाइम लगता है, बहुत देर होती है, इसलिए लोग एलोपैथी की तरफ ज्यादा रुझान करते हैं। जी, ऐसा भ्रांति को दूर करने के लिए क्या कोई प्रयास? हमें उस भ्रांति को दूर करने के लिए हमें अपने, ऐसा नहीं है कि हमारी चिकित्सा पद्धति देर से काम करती है, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि हमें लक्षण का सिलेक्शन नहीं कर पाते हम, इसलिए ऐसा लोग कहते हैं। बट अगर हम लक्षण का सिलेक्शन कर लेंगे, हमें उनसे सिम्टम पूरा ले लेंगे, उसके बाद दवा का चयन करेंगे तो हमारी औषधि त्वरित काम करेगी, तुरंत काम करेगी और बेहद कारगर साबित होगी। जैसे आपने कहा है कि होम्योपैथी देर से काम करती है तो हार्ट अटैक, डायरिया, हेडेक और फीवर में तो महीनों लग जाएंगे। होम्योपैथी की दवाई एलोपैथी दवाइयों से 3-7 गुना तेज काम करती है, अगर दवाई सही हो, क्वालिटी सही हो और मरीज सही बात बताए और डॉक्टर सही दवाई ढूंढे तो ओवरनाइट नहीं, कुछ ही घंटों में पता लगता है कि दवाई से आराम आ गया। और दूसरी बात यह है कि हमारे लोग होम्योपैथी में तब जाते हैं जब सब इलाज रात के होते हैं, बीमारी बढ़ चुकी होती है, केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तब वो चाहते हैं कि एकदम इलाज हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ है, अगर शुरू में होम्योपैथी के पास जाओ और एक अच्छा पढ़ा लिखा क्वालिफाइड डॉक्टर है तो आपको दूसरे इलाज से 100% बेटर और क्विक रिजल्ट वाला इलाज दे सकता है क्योंकि आपकी आत्मा है, उसने कोई और दवाइयों का विष नहीं झेला है। आधा टाइम तो यही लग जाता है कि जो दूसरी दवाइयां दी है उनके साइड इफेक्ट है, हर दवाई का साइड इफेक्ट है, होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सेफ है, प्रूवन है, टेस्टेड है और टेस्टिफाइड बाई नॉट वन, 150-250 साल से लोग इसलिए होम्योपैथी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि दवाइयां बहुत कारगर साबित हुई हैं। और डॉक्टर भास्कर शर्मा को मैं जो भी होते हैं ये हमारे साथ शेयर करते हैं और मैं पढ़ता रहता हूँ, मुझे बहुत खुशी मैं इनके पास आज मिले आया हूँ। सर विशेष भूमिका निभा रही है, विश्व का सबसे अधिक होम्योपैथिक चिकित्सक भारत में है और यहाँ होम्योपैथी का बेहतरीन ढंग से किया जा रहा है। जो एजुकेशन हमारे इंडिया में मिल रही है, 5 ईयर का कोर्स है, वो MBBS के बराबर का कोर्स है और मैंने भी यही लखनऊ से ही 1967 से लेकर 1972 तक का कोर्स किया है। उस समय हमें पता नहीं था कि हम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, वहाँ के पढ़े हुए डॉक्टर कहाँ कहाँ दुनिया भर में फैले हुए हैं। ठीक है, और जब हम यहाँ से पढ़ के निकले थे और विदेश में, अब मैं लंदन में 30 साल से हूँ, अभी भी हम सारी दुनिया को कहते हैं, बड़े सम्मान के साथ कहते हैं कि हम भारत में पढ़े हुए हैं और हमारी एजुकेशन, हमारी जो टीचिंग है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। और भारत में होम्योपैथी को एक प्रतिष्ठा दी जा रही है जो कहीं भी दी जा रही है। अब मैं चाहूँगा कि हमारे खास जिनके लिए मैं आया हूँ, डॉक्टर भास्कर शर्मा जी, ये हमारे पास लंदन में भी आए थे और हमारे कॉलेज के जो सेरेमनी हुई थी उसमें भी उन्होंने सहयोग लिया।
और उनको वहां पर भी इनको गोल्ड मेडल दिया गया था। आज इनको एक और विशेष सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है जो कि बहुत ही मुश्किल से दिया जाता है। डॉक्टर भास्कर शर्मा ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, देश विदेश में इनको गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और आज एक कार्ड में एक रिकॉर्ड और जोड़ रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस चीज का जो है देखिए, भारत का एक डॉक्टर, अपनी खुशी हो रही है कि वो यूपी से ही है और यूपी हमारा अपना प्रदेश माना जाता है क्योंकि मैंने लखनऊ मेडिकल कॉलेज से ही पढ़ाई की है। मेरे भाई भी यहाँ रहते हैं जो इंदिरापुर में रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये नहीं देना चाहते हमारा प्रदेश क्या करे, हम ये देना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में जो डॉक्टर है जो सारी दुनिया में विख्यात है। तो आज इनको मैं विशेष सम्मान से सम्मानित करने के लिए यहाँ आप सबके बीच में आया हूँ। तो बिना देर किए हुए मैं डॉक्टर भास्कर शर्मा जी को यह सम्मान दे रहा हूँ। होम्योपैथी के जन्मदाता डॉक्टर सैमुअल हैनमैन थे और उनके सबसे स्पेशल या फर्स्ट जो उन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया डॉक्टर जेम्स एलन क्रैंग अमेरिका के थे, कि उनके ही नाम से यह सम्मान इनको दिया जा रहा है। डॉक्टर जेटी कैंट मेमोरियल अवार्ड प्रेजेंटेड टू डॉक्टर भास्कर शर्मा फॉर द प्रमोशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ होम्योपैथी एंड आर्ट एंड साइंस इन इंडिया। थैंक यू, नमस्कार। अब आपके